god! I will get them. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मूवीज धमाका पर। दोस्तों बता दूं आपको कि आज जवान मूवी को ग्रैंड रिलीज कर दिया गया है, और इसने रिलीज के साथ ही पहले दिन ही और इसने अपने रिलीज के पहले दिन ही साबित कर दिया है कि जवान एक सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म है। बता दूं आपको कि इसने रिलीज के पहले दिन ही बता दिया है कि यह KGF बाहुबली जैसी बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ देगी और यह काफी आगे बढ़ रही है। बता दूं आपको कि जवान ने खान की फिल्म पठान का भी रिकॉर्ड तोड़कर आगे बढ़ चुकी है। बता दूं आपको कि इसने फर्स्ट डे के कलेक्शन में पठान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और फर्स्ट डे का इसका कलेक्शन काफी जबरदस्त रहा है। और बता दूं आपको कि इसको 10,000 स्क्रीन पर ग्रेट रिलीज कर दिया गया है, जो कि इंडियन सिनेमा पर इकलौती फिल्म है जिसे 10,000 स्क्रीन को वर्ल्ड वाइड रिलीज किया गया है। बता दूं आपको कि इसका क्रेज इंडिया में जितना चल रहा है उतना ही वर्ल्ड वाइड भी चल रहा है। बता दूं आपको कि इसने वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन 20 करोड़ से ऊपर का कर दिया है, और बता दूं कि इंडिया में इसका कलेक्शन 50 करोड़ रुपीस हो चुका है, और यह अभी भी रिकॉर्ड्स इसने एडवांस में भी अपने नाम कर लिए हैं और इसने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। बता दूं आपको कि यह एक ग्रैंड रिलीज मूवी है और वर्ल्ड वाइड भी अच्छी खासी चल रही है। शाहरुख खान की एक्टिंग इसमें काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रही है, और इसमें कैमियो के रूप में हमें दीपिका पादुकोण सहित कई सारे एक्टर एक्ट्रेस का कैमियो देखने को मिल रहा है, और इसमें लीड रोल में शाहरुख खान के साथ नयनतारा मैडम और विजय सेतुपति सर भी नजर आए हैं, जो कि साउथ इंडिया फिल्म के काफ़ी जाने माने एक्टर है, और इसे रिलीज किया है इटली कुमार ने, जो कि साउथ फिल्म के जाने माने डायरेक्टर भी रहने वाले हैं। बता दूं आपको कि इस फिल्म से उनका नाम और भी ऊंचा होने वाला है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है, और इसे प्रोड्यूस किया है खुद गौरी मैडम ने, तो काफ़ी अच्छी बात है। बता दूं आपको कि रेड चिली प्रोडक्शन के निर्देशन में बनाई गई यह फिल्म पहले दिन से ही अपना कलेक्शन काफ़ी अच्छा कर रही है, और इसका एडवांस बुकिंग भी काफ़ी तगड़ी चल रही थी। एडवांस में इसने 150 करोड़ की कमाई कर ली थी, और बता दूं आपको कि फर्स्ट डे इसका कलेक्शन अप्रोक्सीमेटली 50 to 70 करोड़ होने वाला है, और बता दूं आपको कि सेकेंड डे के कलेक्शन की बात बाहर आ रही है कि सेकेंड डे भी इसके शोज सारे हाउसफुल रहने वाले हैं, और सेकेंड डे की इसकी ओपनिंग 8 to 9% की ऑक्यूपेंसी के साथ रिलीज होने वाली है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार यह फिल्म ऐसी फिल्म निकल कर सामने आई है जिसने इंडियन फिल्म में होकर भी तमिल में 10 करोड़ की कमाई पहले दिन ही कर ली है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है, और काफ़ी अच्छी चल रही है यह फिल्म, और वर्ल्ड वाइड ओवरसीज में भी इसने काफ़ी तगड़ी कमाई की है और काफ़ी अच्छी कमाई करते हुए नजर आ रही है। तो दोस्तों, आप भी अगर शाहरुख खान सर के डायहार्ड फैन हैं और इस फिल्म को पसंद कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल से बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।